सो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे गेम में ये जो लॉबी प्लांट है यार, इसमें से अभी के टाइम पे आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं मिलते हैं। हाँ, मिलते भी है तो आप सभी लोगों को वो रिसप्लायर मैप और बोन फायर मिलते हैं, जो कि आप सभी लोगों के किसी काम के नहीं है। सही कह रहे हो सर आप। लेकिन गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद गरीना हमारे इस लॉबी ट्री में बहुत सारे आइटम्स को ऐड करने वाला है, जो कि इस रिसप्लायर मैप और बोन फायर से भी बहुत ज्यादा रेयर होने वाला है। और गाइस, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे गेम में टोटल 4 मशरूम्स है यार। लेकिन गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू मशरूम आने वाला है, जिसको खाने के बाद आप सभी लोगों को बिल्कुल सुपरमैन वाली फीलिंग आने वाली है। और गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू एयर ड्रॉप भी आने वाला है यार, जिस एयर ड्रॉप में से आप सभी लोग गाड़ी निकाल सकते हो। लिटरली यार, अब आप लोगों को एयर ड्रॉप के अंदर से भी गाड़ी मिलने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हमारे OB43 अपडेट में आने वाले इतने सारे चेंजेस के बारे में बताऊंगा, जिस चेंजेस के बारे में शायद ही आप सभी लोगों को किसी यूट्यूबर ने बताया होगा। तो गाइस, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो भूल कर भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों को इवेंट और अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती है। तो गाइस, याद से यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यार हमारे गेम में आने वाले एक न्यू मशरूम के बारे में। तो देखो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे गेम में टोटल 4 मशरूम्स हैं, लेवल 1 मशरूम, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 का मशरूम। लेकिन गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू मशरूम आने वाला है, जिसका नाम होगा साइबर मशरूम। और गाइस, इस मशरूम को खाने के बाद आप सभी लोगों को EP के साथ ही साथ HP भी मिलने वाली है। लेकिन गाइस, जब हमारा एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा तो मैं आप सभी लोगों को इस मशरूम का रिव्यू भी करके दिखा दूंगा, फिलहाल अभी आप सभी लोग फोटो से ही काम चलाओ। और गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू एयर ड्रॉप आने वाला है यार, जिस एयर ड्रॉप में से आप सभी लोग व्हीकल को निकाल सकते हो। यहाँ गाइस, इस एयर ड्रॉप में से आप सभी लोगों को सारे व्हीकल मिलने वाले यार, जितने भी हमारे गेम में अवेलेबल हैं। तो देखो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कभी कभी हमें एयर ड्रॉप में से मॉन्स्टर ट्रक भी देखने को मिल जाता है, वैसे ही गाइस हमारे गेम में जितने भी व्हीकल अवेलेबल है यार, वो सब आप सभी लोगों को एयर ड्रॉप के थ्रू मिलने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गरीना चाहे तो हर एक चीज पॉसिबल है। और गाइस, हमारा जो ये बुया पास है यार, वो एलाइट पास में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब गाइस, हमारा जो पुराना लाइट पास है और वो रिटर्न में तो नहीं आने वाला है। लेकिन गाइस, पहले के टाइम पे क्या होता था गाइस, आप सभी लोगों को सिर्फ एलाइट पास परचेस करने पड़ते थे, उसके मेल और फीमेल बंडल आप सभी लोगों को वैसे ही फ्री में मिल जाते थे। लेकिन गाइस, इस बुया पास में तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यार बुया पास को परचेस करना पड़ता है, उसके बाद आप सभी लोगों को बंडल को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसमें आप सभी लोगों के 5 से 10 हजार डायमंड लग जाते हैं। ये भगवान क्या जुलूम है। लेकिन गाइस, अब हमारे फरवरी मंथ से जितने भी बुया पास आएंगे, उसमें से आप सभी लोगों को किसी भी बंडल को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। अब सारे बुया पास के बंडल पहले से ही अपग्रेड आएंगे, बस गाइस डायमंड देके आप सभी लोगों को बुया पास को परचेस करना है और उसके बंडल्स आप सभी लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। और गाइस, जहां तक मुझे लगता है कि इस अपडेट को सुनने के बाद आप सभी लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, तो अगर आप सभी लोगों का दिल गार्डन गार्डन हुआ है यार, तो प्लीज मेरा भी दिल गार्डन गार्डन कर दो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से यार वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज यार इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके। तो गाइस चलो यार, बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो देखो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के टाइम पे हमें इस लॉबी प्लांट में से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद इस लॉबी ट्री में से आप सभी लोगों को ढेर सारे वाउचर्स मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इस लॉबी ट्री में से आप सभी लोगों को वेपन रॉयल वाउचर, डायमंड रॉयल वाउचर और गोल्ड रॉयल वाउचर्स मिलने वाले हैं। और गाइस, हो सके तो इसमें से आप सभी लोगों को डायमंड्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइस गरीना ने एक सर्वे में हमसे पूछा था यार कि आप सभी लोगों को लॉबी ट्री में फिर से डायमंड्स चाहिए या नहीं। तो शायद हो सके तो गरीना फिर से उस पुराने वाले लॉबी ट्री को हमारे गेम में वापस ला दे। क्या बात कर। तो चलो गाइस, बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो देखो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे CS रैंक का जब भी न्यू सीजन आता है यार, तो CS रैंक में आप सभी लोगों को डबल एक्टिव स्किल वाला मोड देखने को मिलता है। वैसे ही गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे लोन वुल्फ में भी डबल एक्टिव स्किल वाला मोड आने वाला है, जिसमें गाइस आप सभी लोग एक ही गेम में दो दो एक्टिव स्किल के मजे उठा सकते हो। और गाइस, ये अपडेट आप सभी लोगों को कैसा लगा यार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस, इस OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू गन भी आने वाला है यार, जिसका नाम होगा VSK-94। एंड इस गन को आप सभी लोग शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस, जैसे ही हमारा एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा तो मैं आप सभी लोगों को इस गन का गेम प्ले भी करके दिखा दूंगा कि ये गन कैसी चलती है और कितने का डैमेज देती है। तो बस गाइस, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि ऐसे ही इवेंट और अपडेट से रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। और चलो गाइस, बात करते हैं यार इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में यार। तो देखो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी के टाइम पे हमारे गेम में एक अपग्रेडर चिप है यार, जो कि आप सभी लोग अपने गन में यूज कर सकते हो। और गाइस, 3 चिप लगाने के बाद कोई भी गन की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यार, जिससे आप सभी लोग 1v4 इजीली क्लच कर सकते हो।
सकते हो। वैसे ही गाइस हमारे गेम में दो न्यू चिप आने वाले हैं, जिसमें से पहला का नाम होगा बेस्टन चिप और गाइस दूसरे चिप का नाम होने वाला है रेडल्ट चिप। और गाइस इन दोनों चिप का यूज आप सभी लोग व्हीकल के अंदर कर सकते हो, जिसमें से गाइस अगर आप लोग बेस्टन चिप का यूज करते हो तो कोई भी एनिमी अगर आप लोगों को पीछे से डैमेज देता है तो उस एनिमी का डैमेज आप सभी लोग के ऊपर नहीं पड़ेगा। और गाइस दूसरा, अगर आप लोग रेडल्ट चिप का यूज करते हो तो जब कभी भी आप सभी लोग व्हीकल चलाते हो यार, तो आपके व्हीकल का जो लोकेशन होता है यार वो एनिमी को बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। और गाइस इन दोनों चिप का भी रिव्यू मैं आप सभी लोग का एडवांस सर्वर ओपन होने के बाद करके दिखा दूंगा। और गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो भी खत्म होने वाली है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।